गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज कॉमर्स क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हमने बिजनेस स्टडी के तीन चैप्टर पढ़ लिए और तीसरे चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन की नेचर क्या है। अब हमारा जो टॉपिक आ रहा था कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसी टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आशा कि आप ध्यान से सुनेगा। देखिएगा, बहुत सारे मैनेजमेंट ने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का एक अलग तत्व है। मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है बेटा, 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, 5 तत्व हैं। तो कुछ तत्व कुछ कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन भी एक अलग से छठा तत्व है, परंतु ऐसा नहीं है, यह सभी तत्वों में समाया हुआ है। तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या था, समन्वय एवं नियोजन। समन्वय एवं नियोजन यानी किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो प्लानिंग के साथ रिलेट करते हैं, इसमें प्लानिंग में हम क्या करते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट शुड बी डन इन फ्यूचर, यानी ये प्लानिंग करते हैं फ्यूचर से। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने जो गोल डिजायर किए थे, हम चाह रहे थे उसको अचीव करने के लिए, तो उसमें सारी की सारी प्लानिंग में इस टॉपिक को हमने कवर करना है। और वो तब पूरे नहीं होंगे जब तक हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं चल सकेगा। तो ये प्लानिंग के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट तत्व है। दूसरा टॉपिक था हमारा समन्वय एवं संगठन। प्रबंध का हमारा दूसरा तत्व क्या था, संगठन। संगठन में क्या करते हैं, जो हमारे ढांचे में विभिन्न पद हैं उनको कार्य रूप देना है। कार्य रूप देने के लिए हमने उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हुआ। हमारे विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मान लो हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि 2000 करोड़ की बिक्री करनी है, 2000 करोड़ की बिक्री तो करनी है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होगी, हमारे पास स्टॉक नहीं होगा, तो हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार संगठन में साथ के साथ समन्वय चलता रहता है। तीसरा तत्व है हमारा समन्वय एवं, तीसरा तत्व क्या था, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में क्या करते हैं, हमने कार्य ढांचे में जो विभिन्न पद स्थापित किए हैं उसमें व्यक्तियों को लगाया जाता है, और व्यक्तियों को लगाते समय हम ये देखते हैं कि हमें एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी जरूरत है, कितने बंदों को लगाया जाना है, और वो सारा काम किससे होगा, कोऑर्डिनेशन से होगा। इसका एक एग्जांपल भी दूंगा मैं बाद में। इसके बाद है समन्वय एवं निर्देशन। निर्देशन में क्या है, हमने जितने भी कर्मचारी लगाए गए उनको डायरेक्शन करना। निर्देशन में हम चार तत्व पढ़ते थे, सुपरविजन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के साथ साथ क्या था, लीडरशिप। लीडरशिप के बाद क्या था, मोटिवेशन। इन सभी कार्यों में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो किसी प्रकार का हम निर्देश नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार ये साथ साथ चलता रहता है। और पांचवा तत्व क्या है, समन्वय एवं नियंत्रण। समन्वय एवं नियंत्रण, नियंत्रण में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग वैसे तो लास्ट फंक्शन है, लेकिन ये इंपोर्टेंट फंक्शन है। नियंत्रण में हम क्या करते हैं, हमने जो स्टैंडर्ड बनाए थे उनको हम ये देखते कंपेयर करते हैं किससे, एक्चुअल रिजल्ट से। और एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते समय कोऑर्डिनेशन जरूरी है, समझ आ रही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन हमारा प्रबंध का कोई अलग तत्व नहीं, ये प्रबंध का बेस है, प्रबंध के सभी तत्वों के साथ चलता रहता है। समझ आ गया हुआ, इस टॉपिक को कवर कर लिया है। तो समन्वय प्रबंध का क्या है, सार है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जितने भी हमारे
पेपर हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन कवर हो रहा है। अब हमारा अगला टॉपिक है समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी तत्वों पर, सभी स्तरों पर होती है। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है या नहीं, तो इसमें हम कहते हैं कि समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के किसी एक स्तर पर नहीं बल्कि सभी स्तरों पर होती है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो। बहुत सारे कहते हैं कि टॉप लेवल पर ही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए या मिडिल लेवल पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए या लो लेवल पर होना चाहिए। नहीं, कोऑर्डिनेशन तो सभी स्तरों पर होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए, सभी स्तरों पर होना चाहिए। समझ आ गया? तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समन्वय का महत्व, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।